राजपूत 11 माड़िया का कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर लगाएगा तो सोयब भाई कापा की तरफ से हर सिक्सर के 101 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। राजपूत के बल्लेबाजों को आमंत्रित किया है, उत्साह बढ़ाया है सोयब भाई कापा ने। हर छक्के के 100-100 रुपये दिए जाएंगे उनकी तरफ से। समय विवेकानंद की जानिब से लगता है गेंदबाजी में मेहुल मैक्सी है। मेहुल मैक्सी तैयार होते हुए अपने कोटे का पहला और इनिंग का दूसरा ओवर करने के लिए। बल्लेबाज धीरू भाई पहुंचे हैं पीछे मैदान पर। वन डाउन के रूप में पहला विकेट लगा है दीपक के द्वारा। मेहुल विवेकानंद की एन की जानिब से आगे बढ़ते हुए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद को दिशा देने का प्रयास बात की और निकल चुकी बल्ले के पास से वो विकेट पर आसिफ के दस्तानों में। एक बार फिर मेहुल मैक्सी गेंद करेंगे धीरू को। अच्छे विकेट पर अगली गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से धकेला है बिलाल गेंद का पीछा करते हुए एक रन पूरा किया मिसफील्डिंग और दूसरे रन के लिए जाते हुए दूसरा रन भी आसानी से बल्लेबाज ने पूरा कर लिया। दो रन के स्कोर जा पहुंचा है 5 रन एक विकेट के नुकसान पर 158 का विशाल स्कोर खड़ा किया है ट्रांजेक्शन 11 चाखवा ने। बिल मेहुल गेंद उछलती हुई गेंद को कवर के ऊपर धकेलने का प्रयास गेंद बल्ले के पास से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। मेहुल मैक्सी तीरू के लिए काफी बड़ा है हर बल्लेबाज को सेट होने का समय नहीं है। यहां पर अगली गेंद हवा में उठी है दूसरा कैच लेते हुए बिलाल के हाथों में रही है दूसरा विकेट। तीरू जाते हुए पेवेलियन से बाहर लगा दूसरा झटका राजपूत 11 माड़िया को।
जयवीर गेंद करेंगे रोहित को, चलती हुई गेंद को पॉइंट के ऊपर धकेला है, खिलाड़ी मौजूद है आसिफ के रूप में और एक रन से संतुष्ट करेंगे। एक रन के साथ स्कोर अब जाकर पहुंचा है 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज आ पहुंचे हैं बीच मैदान पर, पीयूष लेकिन बल्ला चलाया, बाहरी सिरा लिया, बल्ला ने कहा चूम लू, चूम लिया, कैच लपका आसिफ ने, विकेट गिरा चौथा। और मेरे साथ यहां पर आयोजक बताते हुए स्टार 11 के कप्तान, मासूम 11 के कप्तान, दूसरे सेमीफाइनल के लिए टॉस के लिए जल्दी से आ जाइए। पीयूष ने खाता भी नहीं खोला और हल्के हाथों से आते हुए, हल्के हल्के कदमों से बाहर निकलते हुए इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा सहयोग कुछ लोगों का मिला है। नगर पालिका के प्रमुख मोहम्मद हुसैन जाला ने परमिशन ली और आईएस ग्रुप ने उनको बात की, उन्होंने परमिशन लिलवाई और टूर्नामेंट को हरी झंडी दिलवाई। मोहम्मद हुसैन जाला ने, नगर पालिका के प्रमुख है, 10,000 रुपये का रोकड़ पुरस्कार भी उनकी तरफ से यहां पर आया है। काफी अच्छा सहयोग मिलता हुआ मोहम्मद हुसैन जाला के द्वारा। अगली गेंद हल्के हाथों से दिशा देने का प्रयास, गेंद को गली की ओर धकेलना प्रयास था लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस टूर्नामेंट के द्वारा, लाइव प्रसारण के द्वारा, मैं उन लोगों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने इस ग्राउंड पर काफी अच्छा सहयोग दिया है, अच्छा खेल खेला है। नदीम लारा, कलीम शेख, जिनके नेतृत्व में मैंने काफी प्रैक्टिस की है, जयंती भाई परमार। अगली गेंद ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन एरिया पर, बिलाल मौजूद थे, थ्रो किया था लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं ली, खतरा नहीं हुआ, रन मिला एक। ओवर की समाप्ति हो चुके हैं यहां पर। ये रहा, 3 ओवर की समाप्ति हुई है, रन बने हैं 8 और विकेट गिरी है 4। राजपूत 11 मारिया का स्कोर है, काफी हावी होती हुई ट्रांजेक्शन 11। जयंती भाई परमार, जो कि जयंती भाई काफी अच्छे खिलाड़ी थे, काफी अच्छे यंग स्टार 11 के कप्तान भी थे, काफी अच्छा सहयोग दिया है वो। अब इस जयंती भाई परमार, कलीम भाई से काफी क्रिकेट प्रेमी को प्रैक्टिस करवाते थे, काफी सहयोग देते थे, उनके नेतृत्व में हम खेले हैं, प्रैक्टिस की है कलीम शेख के। नदीम लारा आज हमारे बीच वो नहीं रहे हैं इस समय। मेहुल मैक्सी गेंद करेंगे विवेकानंद इनकी जानिब से, अगली गेंद ड्राइव करने का प्रयास था, विकेट रिपर को छकाती हुई जा रही है, अंपायर का इशारा, बाज विकेटरी पर कुछ अपील कर रहे हैं, अंपायर दोनों बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा विकेटरी पर कह रहे हैं कि गेंद स्टंप पर टकराई है, लेकिन अंपायर बातचीत करते हुए। समय है, थोड़ी देर खेल रुका हुआ है, अभी भी एक धीरी धीरी मंत्रणा चलती हुई, देखना है फैसला क्या आएगा। तीसरे अंपायर की ओर जाएंगे, इशारा करना होगा पहले, अंपायर को चाहिए पहला इशारा कर दे तीसरे अंपायर की ओर। ये भी अपील होती हुई लगा है, ऐसा विकेटकीपर ने ऐसा अपील की कि गेंदबाज ने डाली हुई गेंद स्टंप पर टकराई कर जा गई है, रिव्यू देते हुए बार बार एंगल से देखते हुए हमारे कैमरामैन। स्क्रीन पर
लगे हुए हैं हमारे कैमरामैन। नतीजा क्या आएगा वो आने वाले वक्त बताएगा। अब एक और एंगल से निकल लगाई लग रहे हैं, इस एंगल से पता चल जाएगा। प्रयास जारी है, कुछ हरकत हुई है ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंपायर का फैसला आखिरी होगा। और ये रहा तीसरे अंपायर का फैसला, नॉट आउट। कुछ हरकत की थी लेकिन स्टंप पर नहीं लगी है और सीमा पार हुई है। अंपायर का इशारा आना चाहिए, बल्ले से लगी है या बाई के रूप में है ये रन। बल्ले से लगी है, अंपायर का फैसला आता हुआ। यहां पर दीपक भाई, रूपम नोवेल्टी, दिलीप भाई जो कि रूपम नोवेल्टी है उसके ऑनर है, उसका यहां पर आईएस ग्रुप दिल से हार्दिक स्वागत करती है। मेहुल मैक्सी गेम करेंगे विवेकानंद की जानिब से। अगली गेंद चलाने का प्रयास, गेंद बल्ले के पास से होती हुई, लगातार बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं, प्रयास के रूप में विकेट भी गिरते हुए रन नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर सटीक गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर ट्रांजेक्शन के गेंदबाज पहले योगेश सोलंकी, कुलदीप रावल, आसिफ ने अपने बल्ले से जलवा बताया, अब गेंदबाज अपने गेंदबाजी से जलवा बताते हुए। अगली गेंद हल्के हाथों से मिड विकेट की तरफ धकेला है, वहां पर आसिफ मौजूद है, फील्ड किया, थ्रो किया, रन मिला एक, एक रन के साथ स्कोर अब जाकर पहुंचा है 13 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। असुम 11 और स्टार के कप्तान टॉस के लिए जल्दी से आ जाए, समय बीतता जा रहा है, मेगा फाइनल भी खेला जाना है। अगली गेंद लपेट के स्वीप करने का प्रयास था लेकिन गेंद जा पहुंची लॉन्ग ऑन एरिया पर, वहां पर जयवीर ने गेंद को फीड कर लिया और थ्रो किया, एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 14 पर। के दिन का पहला सेमीफाइनल, उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल होगा, फाइनल तीसरा। अगली गेंद डॉट जाती हुई यहां पर विकेट रिपर के दस्तानों में। मेहुल मैक्सी करते हुए काफी अनुमान से काफी उछलती हुई गेंद, बल्लेबाज ने सोचा नहीं था, दिशा देने का प्रयास, अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति का। तो यहां पर 4 ओवर की समाप्ति हो चुके हैं, 14 रन बने हैं, 158 रन का विशाल स्कोर का पीछा करती हुई राजपूत 11 माड़िया बने हैं 4 ओवर में, 4 विकेट के नुकसान पर 14 रन। माधुपुर से यहां पर इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए अकबर भाई जोखिया, माधुपुर की यहां पर आए हैं अकबर भाई जोखिया, आईएस ग्रुप उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और इस मैच का अब विवरण आगे जारी रखने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर अहमद भाई ठंडक। हमारे यहाँ पे आंकड़ों के किंग यानी के मैक्सवेल यानी के मम्मू बाबा स्कोरिंग की भूमिका में। चार ओवर की समाप्ति के 14 रन, इनके बाद का मैच है स्टार 11 और मासूम 11 के बीच, लेकिन फाइटर 11 के इस टूर्नामेंट से बाहर जरूर है। आन शान से निकली हुई टीम काफी बेहतरीन एपट किया था, इस बीच चले अच्छी गेंद थी, सम्मान के साथ खेला, मिड ऑन और कवर के बीच से निकाला है, मिड ऑन के खिलाड़ी ने लंबी दौड़ लगाई, जब तक उठाते थ्रो करते 1 रन का इजाफा। भाई इमरान थोतर कैप्टन मासूम 11 ने आवी गया, मूसा हुसैन बम 10 का दम आवी आओ, जाबिर मेमन फाइटर 11 ना कैप्टन जाबिर मेमन हो अहीं तो टॉस मत आवी है बने टीमों ना।
आ चुके हैं। क्या है इस पिच चले, राकेश खैर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। शुभमन गेंद को खेलना चाहते थे क्रॉस द लाइन, सॉरी कृपाल है गेंदबाज। अंपायर की भूमिका में अंकित चुड़ासमा, मेन अंपायर की भूमिका में शोएब दादा यानी के शोएब भाई कापा। भावेश खैर अगर कानों तक आवाज पहुंचती है तो टॉस के लिए पहुंचे गेंद की शुरू में गेंद को खेलना चाहते थे फाइन लेग की जानिब, शरीर पे लेके गेंद वहीं पे गिरी बगैर किसी नुकसान के ऊपर। भाई इस्माइल भाई जेटवा आयोजक श्री अभी जाओ और लाइव मैच में है नवाज खान, छोटा बच्चा लेकिन धमाका बड़ा, क्या बेहतरीन पारी खेली थी कॉलेज में, एक हताश कर दिए थे सामने वाली टीम को। इस बीच चले गेंदबाजी करने के लिए टावर एंड छोर से अच्छी गेंद थी, फिर से वहीं पे शरीर पे गिरी, विकेट कीपर ने गेंद को उठाया। अगला मुकाबला जो सेमीफाइनल है ये जाएगी जो भी जीतेगी फाइनल के, लेकिन फाइनल बहुत ही रोमांचक देखने को मिलेगा। स्टार इलेवन भी छोड़ेगी नहीं, लेकिन कम नहीं है कजक्शन इलेवन के स्पॉन्सर है इकबाल, नवाज खान खानों से भरा हुआ चाकू। इस बीच चले गेंदबाजी करने के लिए शुरुआत गेंद का खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से लंबी दौड़ लगाई वहां पे शेजाद ने, लेकिन शेजाद की हल्से सी गेंद ने टन लिया गेंद सीमा पार, उछलता कूदता दौड़ता भागता स्कोर हो चुका है 20 रन। यह है नवाज खान स्कोरिंग का भूमिका में है नवाज खान, बेहतरीन आयोजन यहाँ पे इस टूर्नामेंट का हुआ है और काफी बेहतरीन सफलता मिली है वो है प्रेक्षक की ओर से। यहाँ पे टॉस की तैयारी हो चुकी है, टॉस हो चुका है, फाइटर लाइन के कप्तान ने टॉस किया है, कौन जीता टॉस, स्टार इलेवन विन द टॉस और डिसीजन पेंडिंग, डिसीजन सूझे खेर भाई, भाई खेर भाई सूझे, खेर भाई भी फंसाई गया विचार के शुरू करूं। मासूम लन काफी जोश में खड़ी है, आज का फाइनल मुकाबला तय है वो बहुत ही बड़ा रोमांस मिलेगा। अब यॉर्कर के बादशाह आए हैं, यॉर्कर गेंदबाजी करने में माहिर है मोंटू मलिंगा, क्या जिताया था पहला मैच मलिंगा ने, वो है ट्वेकाने छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार मोंटू मलिंगा। इस बार अच्छी गेंद थी ब्लोकल में डाली हुई गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर, आसिफ ने उसे कलेक्ट कर लिया, विकेट कीपर की भूमिका में है आसिफ और बिलाल की गेंदबाजी ने कुलदीप रावल जो नाम है जाना जाता है, क्या बेहतरीन बल्लेबाजों में से है कुलदीप रावल। इस बीच चले मलिंगा ये गेंद शुरुआत गेंद थी चकमा देती हुई गेंद गई आसिफ के हाथों में बगैर किसी रन से, अंपायर की भूमिका में जो अंजाम दे रहे हैं फाइटर के अच्छे ऑलराउंडर अंकित चुड़ासमा और शोएब भाई कापा। धक धकता मैच हार चुकी है फाइटर इलेवन, एक मर्तबा होश उड़ा दिए थे मूसा बम के, इस बार खेल दिया मिनोन के ऊपर से गेंद की रफ्तार फील्डर की रफ्तार से तेज गेंद सीमा पार। अभी हिनुस भाई की साटी की ओर से इनाम आना बाकी है आयोजक के लिए, इसलिए मशवरा कर रहे हैं कितने लिखा ने, लाइव में बोल नहीं सकता लेकिन अकबर है उसके साथ तो कुछ जहमत। इस टूर्नामेंट में केवल 40,000 रुपये हुए एंट्री के और टूर्नामेंट का खर्च है 1,30,000। इस बीच चले गेंदबाजी करने के लिए मलिंगा, अच्छी गेंद उठाकर खेला है मलिंगा की, फील्डर वहां पे कैच के रूप में है मेहुल मैक्सी और आसान सा कैच ले लिया, लगने वाला राजपूत इलेवन को पांच विकेट के नुकसान के ऊपर। अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं बेस्टमैन नु नाम आप जी भाई प्रतीक वसावड़ा आउट कर वापस लाओ तो। एक शोएब भाई हमाल आ चुके हैं, मासूम लमन
के प्लेयर आए हैं इरफान भाई गमेरिया, इमरान थोदर है कप्तान, इरफान गमेरिया, वसीम गरेरा, चिराग चंद्रेश, रफीक दीपमाला, एजाज रबाडा, सचिन परमार, अश्विन भूरा, महेश और कामली, ये हैं मासूम इलेवन की टीम। सालिमार अब्बास भाई यहाँ पे आ चुके हैं। मलिंगा एक सफलता के साथ विवेकानंद छोर से अगला मुकाबला काफी कसमोकस मुकाबला होगा, वो है मासूम इलेवन एंड स्टार इलेवन के बीच। टॉस हो चुका है, डिसीजन क्या हुआ है? मलिंगा चले गेंदबाजी करने के लिए, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, अच्छी गेंद थी, लेफ्ट स्टंप के ऊपर गेंद थी, शायद अंपायर का इशारा वाइड, अतिक्रमण बढ़ते हुए नवाज खान कितना हुआ 26 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर महापार जैसा स्कोर खड़ा कर दिया है यहाँ पे कजक्शन इलेवन चाकवा। स्टार इलेवन की यह है टीम, भावेश कह रहे कप्तान, भरत, शकील, ट्रिपल, हार्दिक, कमल की जगह नेमिस और रौनक की जगह कांजी, ये हैं मूसा स्टार इलेवन की टीम। छह ओवर की समाप्ति के ऊपर 27 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। भाई प्रेक्षक भाई भाई हुंडावड़ा दादा हम भारतीय जजो भाई जी इतना सम्मान मिलो छे आज नो दिवस तमाम प्रेक्षक ने नम्र विनती। 24 गेंदों में 131 रन चाहिए, वो है हमारे स्कोरर मम्मू भाई बाबा मैक्सवेल। कृपाल कृपाल प्रतीक को वे करने टावर एंड छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बड़ा ग्रुप आईएस ग्रुप द्वारा इस टूर्नामेंट का प्रारंभ किया था, क्या बेहतरीन मैदान सजाया साबे ग्रुप आईएस ग्रुप के लड़कों ने और फाइटर के पूरा पूरा सहयोग से के साथ ये टूर्नामेंट का हुआ है। इस बीच अच्छी गेंदी सम्मान के साथ खेला है, कवर की जानी वहां पे कोई फील्डर तैनात नहीं, गेंद बिल्कुल जमीन के सहारा निकली सीमा पार, उछलता कूदता दौड़ता भागता स्कोर हो चुका है 31 रन। फॉलोन भी नहीं कर पाएगी यहाँ पे मारिया इलेवन, राजपूत इलेवन मारिया, पहला मैच काफी बेहतरीन प्रदर्शन से हराया था, रोमांच भरा मैच था वो यहाँ पे जो भी मैच हुए सभी एक यही मैच को छोड़कर सभी रोमांच मैच हुआ था। इस बार खेलना चाहते थे रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद डॉट करवा दी गई, अंपायर की भूमिका में मेन अंपायर अभी हैं सोहेब भाई कापा और लेग अंपायर की भूमिका में है अंकित चुड़ासमा। 22 गेंदों में 127 रन चाहिए है नवाज खान लाई स्कोरर का भूमिका में। इस बीच चले अच्छी गेंद इस बार कलेक्ट नहीं कर पाए, गेंद गई विकेट कीपर आसिफ के हाथों में, आसिफ ने क्या धुआंधार बारी की शुरुआत की थी कजक्शन इलेवन की ओर से, इनके बाद बेहतरीन इनिंग खेली है। मासूम इलेवन छोड़ेगी नहीं स्टार इलेवन को, बच्चे ना समझे, यह है मासूम इलेवन के कप्तान की विनंती। इस बीच चले गेंदबाजी करने के लिए, अच्छी गेंद थी ड्राइव करना चाहते थे, यासीन राजा आ चुके हैं एज इलेवन के प्लेयर, कल क्या मैच हारी है 15 गेंदों में केवल 13 रन चाहिए थे,
लेकिन क्रिकेट इन स्थितियों का खेल है, सबक सीखना चाहिए कि आप वहाँ पे सिंगल निकाल लेते, कोई शॉट ऊंचा नहीं खेलते तो आज नतीजा कुछ और होता इस टूर्नामेंट का। इस बीच चले गेंदबाजी करने के लिए, अच्छी गेंद थी, सलमान के साथ खेलना चाहते थे, क्रॉस द लाइन, अंपायर का इस तरह का इंतजार करने पड़ेगा। लेग बाय अप, शोएब कापा का इशारा आता हुआ, पैरों पे लगने के बाद गेंद गई थी, एक रन का इजाफा स्कोर में, बढ़ोतरी स्कोर हो चुका है 33 रन। कल का बेहतरीन मुकाबला, सबसे बेहतरीन अगर प्रेक्षकों को मजा आई हो तो है था स्टार 11 बीच फाइटर 11। इस बार ट्राइड करना चाहते थे और कोई गेंद बल्ले पे नहीं, आसिफ ने गेंद को कलेक्ट कर लिया। मांगलोर की धरती के ऊपर लाइव टूर्नामेंट चलता हुआ, हर मर्तबा चैंपियन हुए स्टार 11, इस मर्तबा काफी कसमोकस संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि कंजक्शन 11 काफी फॉर्म में भी है और नामी पिलर के साथ खेल रही है, जिनमें कुलदीप रावल, आसिफ, बिलाल, मेहुल मैक्सी, मोंटू मलिंगा, हार्दिक, जयवीर, लाला का पन्ना इस मर्तबा चला नहीं मांगरोल में, लेकिन लाला जाने जाते हैं मांगरोल में स्पॉट बल्लेबाजी करने के लिए। राकेश कहर, योगेश सोलंकी, क्या बेहतरीन कंजक्शन 11 का, अगर चाकवे में होती है तो इकबाल के फ्लाइट कहीं से कहीं आ ही जाते हैं। और यहाँ पे होनहार लड़का सेजाद बम, अगर ये टीम पहुंचेगी और स्टार 11 अगर पहुंचेगी तो दो बम के बीच फाइनल होगा। लेकिन मूसा बम बहुत बड़ा बम है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। मांटो मलिंगा, विवेकानंद चौधरी, अच्छी गेंद, कलाइयों के सहारे मोड़ा, फाइनल की जानी आसिफ ने गेंद को उठाया, विकेट कीपर की भूमिका में है आसिफ, गेंद को उठाते जब तक दलो मलिबास ने एक रन चुरा लिया, स्कोर बदल स्कोर हो चुका है 34 रन। क्या बेहतरीन टूर्नामेंट को आयोजित किया है इस ग्रुप द्वारा। इस बीच मलिंगा गेंदबाजी करने के लिए तैयार, पैदल स्वीप करना चाहते थे, इस बार लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, अंपायर की चुड़ासमा का इशारा वाइड। मासूम इनामी के एक अच्छे ऑलराउंडर, अच्छे बॉलर यानी के सचिन मेवाड़ा यहां पे आते हुए, देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं स्टार 11 के सामने। अच्छी थी ये गेंद, ब्लॉक कॉल में डाली हुई गेंद थी, यहाँ पे ओवर थ्रो के रूप में रन जाता हुआ, एक रन का इजाफा। इनके बाद मासूम 11 और स्टार 11 के बीच मैच होगा, अभी भी डिसीजन पेंडिंग है। भाई बैटिंग लीजिए, फील्डिंग भावेश, ओ खेर भाई बैटिंग के फील्डिंग पेंटिंग है जी, बॉलिंग पहले टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का फैसला किया है। स्टार 11 के कप्तान भावेश खैर ने पहले टॉस जीता है अपने होम ग्राउंड के ऊपर। कल नैया फंस गई थी और निराशा चेहरा बन गया था, लेकिन उजाला जब हुआ और मूसा को पहली मर्तबा दौड़ लगाते हुए देखा था जब वो कैच हुआ था, क्योंकि पहला अर्श है इस टूर्नामेंट का, लाइव टूर्नामेंट और नामी टीम है, हारना पसंद नहीं करती, लेकिन क्रिकेट इन स्तर का खेल था। चार रन, अच्छा एपट फील्डर द्वारा, गेंद सीमा पार, मलिंगा गेंदबाजी करने के लिए तैयार।
मैच का ये आठवां ओवर है। इस बार बड़ा शॉट, काफी सुंदर शॉट, सीमा पार, 6 रन। काफी देर हो चुकी है राजपूत इलेवन के लिए, बार बार ट्राई करते, इस बार बड़ा शॉट खेले हैं रोहित ने। बोला पो भाई जुनो, जुनो दड़ोगा कर दियो। स्टार इलेवन के कप्तान को नम्र विनती, जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजा ले, उनके बाद भी सीधा मैच होगा जो भी जीतेगा, और इस टीम के बीच फाइनल मुकाबला होगा वो 3 बजे चालू हो जाएगा। फाइटर के लिए काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी हाजी इरफान उदिया ने। अब्बास भाई कापा की ओर से फाइनल में ट्रॉफी है मैन ऑफ द सीरीज को रॉयल स्पोर्ट की ओर से। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, अपील उत्साह में ज्यादा, लेकिन अंपायर का इस डिसीजन आउट। अंकित चुड़ासमा बल्ले से बाहरी किनारा ले गया। यह है इस्टा फाइटर के दो अंपायर काफी जहमत से खड़े हैं और काफी सहयोग के साथ फाइटर ने सभी खिलाड़ियों ने दिया है, लेकिन हाजी इरफान ने काफी बेहतरीन इनिंग खेली थी कल, जीत नहीं हुई। बोल कर लिया भाई ओवर अंकित नो वांधो जा। आठ ओवर, अब केवल 2 ओवर का खेलाना शेष। छह विकेट के नुकसान के ऊपर इनके बाद का बड़ा मुकाबला है। पहले टॉस जीता है स्टार इलेवन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। अपने बल्लेबाज हार्दिक बिलाल एक गेंद को खेला है, वहां पे गेंद सीमा पार। केवल इस मैच में औपचारिकता ही बाकी रही है। शालीमार कोल्ड ड्रिंक रेस्टोरेंट नॉनवेज सेफ्रॉन होटल कामनाथ रोड नॉनवेज होटल। इस टूर्नामेंट के आयोजकों को साहिल भाई साठी की ओर से 1,000 रुपया, यूनुस भाई साठी की ओर से 1,000 रुपया और अकबर जोटिया माधुपुर वाला
1100 रुपये, ये अकबर के 11 नहीं 11,000 होने चाहिए थे, केवल 1100 रुपये। अच्छा पुरस्कार है फिर भी। साहिल साठी 1000, यूनुस साठी 1000 और अकबर भाई की ओर से 1100 रुपये का पुरस्कार आयोजकों को दिया जाएगा। योगी के हैं 57 रन और आसिफ के हैं 50। यहां पे संघर्ष लगा है दोनों प्लेयर को बीच मैन ऑफ द मैच का। इस बार गेंद को खेला है योगी ने, कैच पकड़ा है। हाँ इब्राहिम भाई हमारा आगेवन श्री है, सलेला साहेब आप रस्ता पर छो तो आवी जाओ मैदान में, कम बैक आवाज तक आवाज पूछते हो तो। हाजी इब्राहिम सलेला अने हाजी हनी पटेल बेतुल माल प्रमुख श्री आवी जाओ। छोटी उम्र में बहुत ही बड़ा नाम कमाया है अपनी कौम के लिए, हर कौम के लिए योगदान देते हुए हाजी हनी पटेल। हर मुसीबत में हर कौम के साथ खड़े होने वाले व्यक्तिगत सभी से लागणी रखते हुए हाजी हनीफ पटेल बेतुल मार प्रमुख श्री आवी आओ। हाजी इब्राहिम सलेला इनके बाद का बड़ा मुकाबला है, वो है अच्छी गेंद इस बार चकमा दे गई, स्लिप में गेंद को गैदर किया कुलदीप रावल ने। बॉल कर दिया यहां पे 9 मां विकेट लगता झटका, आखिरी जोड़ा जाता हुआ। भावेश के रूप में इनके बाद कप्तान भावेश खेर को नम्र विनंती के जल्द से जल्द अपने पिलर को लेकर सीधे लाइन के सुवारा चले जाएं। स्टार 11 के कप्तान मूसा बम का मुकाबला अब चालू होगा। संघर्ष फाइनल में बहुत ही बेहतरीन मिलेगा, लेकिन इतना ही बेहतरीन सेमीफाइनल खेला जाएगा। अभी मासूम 11 बीच बना स्टार 11, काफी होनहार लड़के हैं मासूम 11 में, देखना होगा किस तरह से किस मुकाबला कर पाते हैं। अगले मैच के हम पाए रहे हैं वो हमें आयोजक बताएंगे। हाजी इरफान उदिया और अफजल भाई सोरठिया ये हैं अगले मैच के दो अंपायर, जल्द से जल्द चले जाएं।
आईएस ग्रुप ना जितला भी छोकरा छे ते अहिया कॉमेडी बॉक्स नी पाछळ आवी जाय। जितला भी जेवे भी टी-शर्ट पहेर्या छे आईएस ग्रुप द्वारा जितला भी टी-शर्ट छे ई बधी छोकरा अहिया आवी जाय भाई पछोड़े कॉमेडी बॉक्स नी पाछळ। इस बीच चले गेंदबाजी करने के लिए विवेकानंद छोर से इस गेंद को खेल दिया है करारा पहाड़ सीमा पार। क्या बेहतरीन एफर्ट यहाँ पे बल्लेबाज द्वारा बजाओ गणपत। भाई आईएस ग्रुप ना तमाम मित्रों ने नम्र विनती है यहाँ आवी आई भाई रिजवान भाई कुमार आवी आओ। मोहम्मद अली शेख द्वारा 1,000 रुपये का पुरस्कार यहां पे मिलता हुआ है जो किसको काजीवाड़ा और प्रमुख मजर खान है प्रमुख। रियाज भाई शेख काजीवाड़ा भाई भावेश भाई फील्डिंग में जाओ फटाफट। मैन ऑफ द मैच यहां गए योगेश सोलंकी अपना मैन ऑफ द मैच ले जाए योगेश सोलंकी मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देंगे। जाबीर भाई मेहमान आवी आओ मैन ऑफ द मैच माटे जाबीर मेहमान फारूक भाई मामदी की ओर से भी 1,000 रुपये का पुरस्कार आ चुका है आयोजक को। योगेश सोलंकी आते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ भाई जाबीर मेहमान आवी गए आसम भाई बतक की ओर से 1,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है यहाँ पे योगेश को मैन ऑफ द मैच देंगे फाइटर के कप्तान यानी के जाबीर भाई मेमन की ओर से दिया जाएगा। वो भी है सूस की जोड़ी दी जाती है बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे लाइव प्रसारण चलता हुआ यहाँ पे क्या बेहतरीन वाह बूट भी क्या है वाह भाई वाह क्या बूट है एकदम बिल्कुल कलर मैचिंग अपने टी शर्ट की माफिक बेहतरीन प्रदर्शन किया यहाँ पे काफी मैन ऑफ द मैच काफी बेहतरीन इनिंग खेली यहाँ पे। इमरान भाई बैटरी की ओर से 2,000 रुपये का पुरस्कार आता हुआ अब शायद मेरे ख्याल से आयोजकों को शायद पैसा नहीं कटेगा। हाजी इब्रा भाई फील्डिंग में जाओ भाई लाइन थी जो भाई 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 लाइन थी पहले कप्तान जाएंगे उनके पहले दो जाएंगे अंपायर वो है आज के अंपायर के हैं हाजी इरफान भाई उदिया बोला दो आईएस ग्रुप
आईएस ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप उसके उनकी टीम है इस्माइल भाई नगरी, फारूक भाई खादिम, इस्माइल भाई जेठवा, फिरोज भाई कोकर, हनीफ भाई दावतवाड़े, इलियास भाई बाबा, यासिन खेबर, बावेश खेर, मूसा बम, मजर खान, इकबाल राठौर, रिजवान कुमार, अकरम खान, जुनेद सोरठिया, रिजवान पडाया, हनीफ जाडला, अयुब इम्तियाज बुरा, अंकित चुडासमा, जाबिर मेहमान, सोयब का पास, सोयब हमाल, अफजल मामा, अफजल सोरठिया, इरफान उदिया, जाबिर सैयद, दाऊद नगरी, नवाज खान, नासिर शेख, पार्थ, अहमद ठंडक, फारूक मामजी, इकबाल कादू, दाऊद चुडली।